गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का दिन चालू हो चुका है, सुबह के 7 बज चुके हैं, 6 बजे से हम उठे हुए हैं। ब्लॉगिंग थोड़ा 1 घंटे लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह से उठ के दादी के काम में लग रखे थे। तो बस आज का दिन यहीं से चालू होता है। आज शायद पूरा एंटर घर का काम अगर भगवान ने चाहा तो सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस साफ़ सफाई का काम रहेगा, जो भी कलर का काम जो भी रहेगा वो सब आज शायद ख़त्म हो जाएगा, और आई होप सो ख़त्म हो जाए। फिर जो भी है गेस्ट रूम रेडी हो जाएगा, अपना रूम रेडी हो जाएगा। तो बस यही हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो। तो बस आज का जो भी रहेगा आप लोग से शेयर करेंगे। कल जैसे बाहर का कलर हो चुका है, उसका आज थोड़ा टचिंग रहेगा जो कि डबल कलर। तो चलिए चलते हैं, पहले दादी से मिलते हैं और फिर आप सबसे मिलते हैं। दादी से मिलते हैं, दादी को उठा के रेडी करके सुला दिया। दादी गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। हाँ, तो दादी भी रेडी हो चुकी है। बहुत टाइम के बाद मैं दादी को, मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया दादी का, तो दादी को भी मतलब बैठते बैठते पैर दर्द दे दिया, तो अभी सुला दिए, रेडी हो गई है दादी भी। और टाइम अभी 7:30 हो चुका है, सॉरी 7:10 हुआ है, क्योंकि 6 बजे से लग रखे थे, 1 घंटा लग गया। तो चलिए चलते हैं अभी फ़िलहाल बाहर के ओर में। और आज पापा फुल ऑलरेडी निकाल चुके हैं पेड़ से, और आज का मौसम साफ लग रहा है। आज भी बारिश ना हुई तो ही सही है, क्योंकि जो भी बाकी जो जितने भी काम हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो कल कलर हो गया था आज थोड़ा निखर के आ रहा है, और एक बार टचिंग दे देने से बहुत ही सही लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आज का जो भी काम होगा आप सबसे शेयर करेंगे। फिलहाल अभी सब काम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी चलिए चलते हैं नहा धो के आके पूरा फ्रेश हो गए, बाकी जो भी काम रहता है वो सब काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले रेडी होने के लिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अभी चलो चलते हैं कुछ काम से करने के बाद में फिर आज थोड़ा जाना है कुछ काम से, जो कि पेपर वर्क है, कर लेते हैं कंप्लीट, और उसके बाद में फिर आप सभी से फिर से मिलेंगे। और भगवान की दया से प्रे कीजिए कि जो काम से जा रहे हैं वो काम सफल हो जाए, और आप लोग जब तक देखेंगे प्रे करेंगे तब तक सफल हो जाएगा, पर नेक्स्ट काम के लिए आप पहले से प्रे कर दीजिए। पर हम जा रहे हैं कुछ काम से, 9:15 हो चुका है, जल्दी से जल्दी जाके रेडी होके फिर वो काम में निकलना है हमको। और रूम देखिए, पहले पिंक कलर था, अभी वाइट हो गया, तो वाइट होने के बाद में और ही ज़्यादा चमक रहा है, तो वही लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ग्रेस बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं पूजा घर की ओर में, और पूजा करके फिर आप सबसे मिलते हैं। जय श्री श्याम, जय शिव शंभु, जय गणेशाय नमः, जय 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 बालाजी आय नमः, जय श्री श्याम, जय। आ चुके हैं और अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे तैयारी हो रहा है, कुछ ब्रेड कटलेट, तो ये है आलू का मिक्स भेज के साथ में, जो कि जीरो ऑयल में बन रखा है वो क्वीन में, और प्याज लहसुन कुछ नहीं, और ये जो है कॉर्नफ्लोर है, ये ब्रेड क्रम है, इधर चटनी है, ये सब चीज़। और यहाँ पे तेल भी बैठा रखे हैं, जो कि सेलो फ्राई होगा, जो कि ये एमवे क्वीन में अगर ऑयल को अगर हम लोग यूज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जीरो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसके लिए। तो अभी मम्मी बनाएगी, रेडी करके गई है, बस आ रही है, और देखते हैं फिर टेस्ट करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा उतना तो मालूम है ही, क्योंकि माँ का हाथ का खाना एक अलग ही लेवल का रहता है। तो चलिए बनाती है माँ, फिर हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट कटलेट, तो बहुत ही टेस्टी बना होगा उतना तो मेरे को मालूम है, क्योंकि माँ का हाथ का तो रहेगा ही रहेगा टेस्टी। तो आइए देखते हैं खा रहे हैं। यम्मी, इधर भोजन भी चल रहा है, इधर भोजन चल रहा है, चलिए खाने के बाद में फिर मिलते हैं। जहाँ जहाँ पे कल छूट गया था वो सब चीज़ आज टचिंग होके ये भी पूरा फाइनल हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा देखने के लिए। चुका है उधर का गेट कलर हो चुका है, जो नीचे था वो सब वाइट हो चुका है, और एंटर भी तो पूरा घर का जितना भी आ रहा है सब वाइट कलर में ही, टचिंग का काम था सब कंप्लीट हो चुका है, वाइट कलर इधर भी गेट वाला जो भी था कंप्लीट हो चुका है, इधर भी ऊपर का पीओपी का जो कलर रहना था सब टचिंग सब हो चुका है, और बस यही इधर देखिए इधर का भी सब कंप्लीट भगवान की दया से आज दोपहर को पूरा धो के साफ करके कंप्लीट साफ करेंगे इसको आज। तो चलिए देखते हैं बाहर मौसम का नज़ारा।
जो कलर फेंकना है, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको सबको, जो ज़्यादा ज़्यादा रुक गया है वो सबको रख रहे हैं, और इधर वाइट कलर थोड़ा सा बचा हुआ है, टचअप के लिए अगर काम देगा तो वैसे ये पूरा रिटर्न चले जाएगा। अंदर का भी कुछ काम और जो है वो सब चीज़ चल रहा है फिलहाल, और देखते हैं जो जैसे साफ़ सफाई हो पाएगा वो चीज़ करेंगे। इधर का भी जो है थोड़ा बहुत सब हो चुका है, तो आइए देखते हैं, ये चीज़ थोड़ा साफ करके फिर से देना पड़ेगा कलर और एक बार से निकले हैं, कुछ काम से जाना है, कुछ काम कंप्लीट करवाना है। सुबह से निकल नहीं पाए, सुबह कलर वाला का जो भी काम था कलर वाला आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस अभी ऊपर का रूम का दो काम रह गया, एक लाइट फिटिंग है, एक एसी फिटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक काम सब रह गया है। कंप्लीट होने के बाद में आज शायद भगवान की दया से आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल रूम धोएंगे। अभी चलिए चलते हैं, अपने कुछ खुद का काम है तो वो कंप्लीट करके फिर आप सभी से मिलेंगे। का जो काम था बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सुबह ऐसे एकदम गया हुआ था 4 बजे से, और अभी रिटर्न घर चल रहे हैं, तो आज का जर्नी यही तक था। तो जो काम था कंप्लीट कर लिए हैं, और फिलहाल अभी घर के और बढ़ रहे हैं, घर के और माल। शायद लाइट भी नहीं है आज, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, देखते हैं। और घर के गली में घुस के, घर में तो लाइट है, और चलिए चलते हैं घर के और। बाहर से पापा स्कूटी ले गए, और कितना दूसरा स्कूटी निकालूंगा करके, मैं भी घर में आ चुका था तो उसी के लिए। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं, और लाइट वगैरह भी ले आए हैं ऊपर का रूम के लिए। घर में आ चुके हैं और गेट बंद कर देते हैं, चूहा वगैरह आते हैं करके, सब गेट बंद करना पड़ता है। और चलिए चलते हैं, अभी फिलहाल लाइट वगैरह भी रख देते हैं। और आज घर में शांति का माहौल है, ना टीवी चल रहा है ना कुछ, तो कपड़े चेंज करते हैं और फिर आप सबसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त, और फिलहाल डिनर करने जा रहे हैं, मम्मी बुला रही है, उससे पहले वीडियो एडिट भी करना है। तो बस आज का सफ़र यहीं तक था आप सभी के साथ में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर कीजिए आप लोग के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम।